أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मैं हूँ खान यशरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज मेरा इत्तेफाक हुआ नादरा ऑफिस रावलाकोट जाने का, तो वहाँ जाके दिल को खुशी भी महसूस हुई कि माशाल्लाह नादरा ऑफिस में बड़ा बेहतरीन निज़ाम उन्होंने बना के रखा हुआ है, टोकन पे सिस्टम चलाया हुआ है, बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन इदारा बनाया हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक कमी मुझे महसूस हुई और वो बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ है हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो मेरी हुकूमत वक्त और इदारों से अपील है कि इस चीज़ को, ये जो तस्दीक वाला निज़ाम है, तस्दीक वाला फॉर्म, जो फॉर्म तस्दीक करते हैं आप, तो वो करवाने के लिए वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाके तो वहाँ से करवाना पड़ता है तस्दीक। तो बराए मेहरबानी मेरी नादरा वालों से भी गुजारिश है कि वहाँ पे ही तस्दीक का कोई निज़ाम लाया जा सके जिससे हमारे लोग मुस्तवीद हो सकें। आपका निज़ाम नादरा का बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें ये कमी मुझे महसूस हुई, तो मैंने इसलिए ये वीडियो आप आवाम तक रखी। इसके बारे में आप लायमल दें और इदारे भी इसके बारे में कोई बेहतरी लाने की कोशिश करें। हमारा हक और हमारा चैनल जो हक और सच की बात है वो बताने पे और बताने के लिए बनाया गया है और आवाम की खिदमत के लिए बनाया गया है। यही हमारा मकसद है कि हमारी आवाम को, हमारे लोगों को हमारी वजह से या किसी इदारे की वजह से या हमारी सोशल मीडिया इस चैनल की वजह से किसी को सहूलत मुहैया हो तो हमें दिली खुशी होगी, क्योंकि ये हमारा इदारे जो हैं, ये हमारे अपने इदारे हैं, हमारे इलाके के इदारे हैं, हमारे सहूलतों के लिए लगाए गए हैं। तो जनाबे वाला मेरी गुजारिश है कि ये तस्दीक के अमल को आप नादरा के, नादरा में बैठे हुए ऑफिसर्स 17 ग्रेड के हैं, तो वो आपके पास अगर कोई बोलता है कि जी आपकी जान पहचान नहीं है तो हम तस्दीक नहीं करके देते, तो शनाख्ती कार्ड से बड़ी जान पहचान किसी की भी नहीं होती है। ये इदारा खुद एक ज़िम्मेदार है जो कि शनाख्ती कार्ड आपको मुहैया करके देता है, बना के देता है, तो उसको तस्दीक का अमल भी करना चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि तस्दीक के अमल को भी वहाँ पे नाफज़ल अमल किया जाए। तो इसी पे चाहूँगा इजाज़त, फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आप तक मेरी हर सच्चाई और हर सच आने वाले सच को मैं आप लोगों के सामने उजागर कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं सच बोल के आप लोगों के सामने इस सच्चाई को रख सकूं, जिससे आप आवाम फैसला करें, आप इदारे फैसला करें कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझे ये कमी महसूस हुई तो इसी वजह से मैंने ये बात की। तो शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और मेरी वीडियो को वॉच किया। तो आइंदा भी आप मेरे साथ ऐसे ही तावन करेंगे। शुक्रिया, फिर मानूंगा।